हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं साइंस पैटर क्लासेस। और आज की इस क्लास के माध्यम से हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को समझने से पहले हम कुछ बेसिक बातों के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। तो आप साथ साथ यहां से नोट कर सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और दूसरा हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स भौतिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन हम किसे कहेंगे। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन की हम बात करें तो जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर के कोई नए पदार्थ का निर्माण करता है तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। यानी कि दो पदार्थ मिलकर के जब किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। एग्जाम्पल हम देखें रासायनिक परिवर्तन के, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम अपने डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में देखते हैं, उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। दूध से दही का बनना किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के जब किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ से पहले वाला पदार्थ हम प्राप्त नहीं कर सकते तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। तो देखिए, दूध से दही बना लेकिन हम दही से कभी भी दूध को प्राप्त नहीं कर सकते। नया पदार्थ आपको यहाँ पे देखने को मिला है और इस नए पदार्थ की अवस्था भी क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन। इसके अलावा हम देखें तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा हम देखें तो अंगूर का किण्वन, किसी भी चीज़ का किण्वन जो है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का किण्वन किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा हम देखें तो मोमबत्ती का जलना, देखिए मोमबत्ती का जो जलना है वो रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार के परिवर्तन है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं मोमबत्ती का जलना। ये सभी जो परिवर्तन है किस प्रकार के परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। अब हम बात करें भौतिक परिवर्तन की, तो देखिए जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते हैं और यदि नए पदार्थ का निर्माण करते भी हैं तो उस नए पदार्थ से पहले वाले पदार्थ को ऑब्टेन या फिर प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। उदाहरण हम देखें तो देखिए काफ़ी सारे उदाहरण हैं जो हम हमारे दैनिक जीवन में उनको यूज़ में लेते हैं। पहला है स्टूडेंट चीनी का पानी में घुलना। इसके अलावा नमक या चीनी का पानी में घुलना। इसके अलावा हम बात करें तो कागज़ का फटना। इसके अलावा हम देखें तो लकड़ी का काटना। ये सभी जो उदाहरण हैं वो किसके उदाहरण हैं, भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। आगे हम बात करें, आशा करता हूँ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे हम बात करें जो अपना टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया किसको कहेंगे। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। देखिए, जब कभी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या फिर उस पदार्थ में नए गुण दिखाई देते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया वो प्रक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस नए पदार्थ में नए गुण दिखाई देते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। चलिए एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जब हम मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, जब मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करेंगे,
वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के जो गुण हैं वो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों से क्या होते हैं? अलग होते हैं, यानी कि पदार्थ में नए गुण आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं जो होती हैं उनको हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रियाएं। तो यहाँ पे आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और याद रखें, मैग्नीशियम रिबन को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये सफेद ज्वाला के साथ जलता है, सफेद ज्वाला के साथ जलता है। और इसकी राख जो बनती है, कैसे रंग की राख बनती है? सफेद रंग की राख बनती है। जो सफेद रंग की राख होती है वो क्या होता है स्टूडेंट? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को वायु की उपस्थिति में जलाने से पहले उसको रेगमाल से साफ किया जाता है, तो बताइए उसको रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है? तो देखिए, मैग्नीशियम जो होता है वो एक अभिक्रियाशील धातु होती है। जब इसको हम वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ते हैं तो इसके ऊपर ऑक्सीजन की परत बन जाती है। इस परत को हटाने के लिए हम इसको रेगमाल से क्या करेंगे? साफ करेंगे, और ऑक्सीजन की जो परत इस पे बनी है उस परत को रेगमाल से हटाएंगे ताकि इसको आसानी से जलाया जा सके। इसीलिए इसको जलाने से पहले हम रेगमाल से क्या करेंगे? साफ करेंगे। आगे हम बात करें रासायनिक समीकरणों की, तो देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे और इसको किस तरह से हम लिखते हैं, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं रासायनिक समीकरण। देखिए स्टूडेंट, हमने अभी पढ़ा रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस नए पदार्थ में नए गुण देखने को मिलते हैं, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उस अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को उसके सूत्रों और उसके प्रतीकों के रूप में लिखना क्या होता है? रासायनिक समीकरण होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो इसकी हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg, और ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O2। यहाँ पे अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? MgO होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या फिर प्रतीकों के रूप में लिखना क्या होता है? रासायनिक समीकरण होता है। और किसी भी रासायनिक समीकरण में बाई ओर क्या लिखे जाते हैं? अभिकारक। क्या लिखे जाते हैं? अभिकारक। अभिकारक जो है वो किधर लिखे जाते हैं? बाई तरफ लिखे जाते हैं, जबकि दाई तरफ किसे लिखा जाता है? उत्पादों को लिखा जाता है। तो याद रखें स्टूडेंट, दाई तरफ उत्पाद लिखे जाते हैं और बाई तरफ किसको लिखा जाता है? अभिकारकों को लिखा जाता है। यदि अभिकारक एक से ज्यादा होते हैं तो उनके बीच हम प्लस साइन का उपयोग करते हैं। इसी तरह से यदि उत्पाद एक से ज्यादा होंगे तो उनके बीच में हम किसका उपयोग करेंगे? प्लस साइन का उपयोग करेंगे। यहाँ पे अभिकारक और उत्पादों के बीच में हम किसका उपयोग करते हैं? तीर के निशान का उपयोग करते हैं, जो अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। तो आशा करता हूँ रासायनिक समीकरण आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि हम कैसे पता करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर नहीं हुई है। मान लीजिए आपके पास कोई पदार्थ है, आपने उनको आपस में रिएक्ट करवाया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर नहीं हुई है? तो कुछ बातों से हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर नहीं हुई है। तो वो बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वहाँ पे हुई है या फिर नहीं हुई है। तो देखिए, पहला पॉइंट आप यहाँ से नोट करेंगे, यदि पदार्थ की अवस्था में क्या होता है? परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मान लीजिए आपके पास दो पदार्थ हैं,
ए और बी आपके पास दो पदार्थ है और इनकी आपस में आपने क्या करवाई, अभिक्रिया करवाई। दोनों पदार्थ आपके पास कैसे थे, द्रव अवस्था में थे, लेकिन अभिक्रिया करने के बाद आपको कैसा पदार्थ प्राप्त होता है, ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो पदार्थ की अवस्था में यदि परिवर्तन देखने को मिलता है तो वहाँ पे कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया जरूर होती है। इसके अलावा दूसरा हम बात करें तो रंग में परिवर्तन, किस में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। यदि आपके पास दो पदार्थ हैं, इन दोनों पदार्थों का जो रंग है वो मैंने यहाँ पे मान लिया कि कैसा रंग है, नीला रंग है, कैसा रंग है, नीला रंग है, लेकिन आपने जैसे ही इनकी अभिक्रिया करवाई तो आपको कैसे रंग का उत्पाद देखने को मिला, लाल रंग का उत्पाद देखने को मिला। तो मैं ये कह सकता हूँ कि रंग में परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया जरूर हुई है। तो पहला हमने देखा अवस्था में परिवर्तन, उसके बाद हमने देखा रंग में परिवर्तन। यदि रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तीसरा हम देखें तो तापमान में परिवर्तन, किस में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। यदि आपको तापमान में परिवर्तन दिखाई देता है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसके अलावा हम देखें तो चौथा पॉइंट आप यहाँ से नोट करें, यदि कोई भी गैस निष्कासित होती है, यदि अभिक्रिया के दौरान कोई गैस निष्कासित होती है, कोई गैस बाहर निकलती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया का पता लगाने के लिए चार पॉइंट हैं आपको यहाँ पे याद रखने हैं, और वो चार पॉइंट कौन से हैं। यदि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है तो आप कहेंगे कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है तो आप कहेंगे कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यदि तापमान में परिवर्तन देखने को मिले तो आप कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और यदि गैस कोई निष्कासित होती है तो भी आप कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इन सभी बातों से आप ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर नहीं हुई है। यदि ये सभी बातें, इनमें से एक भी बात आपको देखने को मिलती है तो कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया जरूर होती है। आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की हम बात करें तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन से प्रकार की होती हैं, किनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहली हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, इसके बाद हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, इसके अलावा विस्थापन अभिक्रिया, और एक हम पढ़ेंगे द्विविध विस्थापन, और इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण, इसके बाद अपचयन अभिक्रिया, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टूडेंट संयोजन अभिक्रियाएं। तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है संयोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो पदार्थ मिलकर के या दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। और उदाहरण आप यहां से लिख सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हम देखें तो वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम ऑक्साइड, और इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम। क्या कहते हैं, क्विक लाइम। आप यहां से नोट कर सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, क्विक लाइम कहा जाता है। और इस कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हम किससे करवाते हैं, जल से करवाते हैं, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहा जाता है, चूने का पानी। क्या कहते हैं इसे, चूने का पानी, या फिर क्या कहेंगे इसको, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना जो है वो किसे कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। तो देखिए ये जो अभिक्रिया आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कैसी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद यहाँ पे बन रहा है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड
जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, दीवारों पर सफेदी करने के लिए। दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसकी सफेदी की जाती है दीवारों पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि दीवारों पर सफेदी करने के 2 या 3 दिन बाद आपको चमक दिखाई देती है, उसका कारण क्या होता है। तो देखिए दीवारों पे सफेदी किसकी की जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जाती है। और सफेदी करने के 2-3 दिन बाद आपको चमक इसलिए दिखाई देती है क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करता है, क्रिया करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाता है स्टूडेंट, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से दीवारों पे चमक दिखाई देती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, हम बात करें संगमरमर की, तो संगमरमर का सूत्र भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो दीवारों पे चमक क्यों दिखाई देती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। क्यों, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और क्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से दीवारों पे आपको क्या दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है। आगे हम बात करें संयोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण की, तो देखिए संयोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण की हम बात करें तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, कोयले का जलना। कोयले का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। कोयले में क्या होता है, कार्बन, और कोई भी चीज जब जलती है तो उसको किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। इसके अलावा हम देखें तो प्राकृतिक गैस का जलना, प्राकृतिक गैस का जलना, प्राकृतिक गैस का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस का सूत्र होता है मीथेन CH4, और जब इसको जलाएंगे तो किसकी आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन से क्रिया करके ये क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। बैलेंस करते हैं इसको, क्या बनेगा, 2H2O। तो ये सभी जो उदाहरण आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस अभिक्रिया के उदाहरण हैं, संयोजन अभिक्रिया के। ध्यान दीजिए यहाँ पे कोयले का जलना, इसके अलावा प्राकृतिक गैस का जलना, ये सभी किस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। अलग से हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ से नोट कर सकते हैं जब कोई भी चीज़ बर्न होती है, जलती है, तो वहाँ पे कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं किनको कहते हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।